बाइक मैकेनिक राइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गया, आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर गया था तो लॉकडाउन में फंस गया था। गाड़ी अपनी यहाँ पर ही थी तो गाड़ी किक से स्टार्ट होती है लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्निशन की चालू किया है, आवाज कर रही गाड़ी, आवाज सुन सकते हैं, गाड़ी की आवाज सुन सकते हैं आप। अगर कट कट की आवाज आती है तो उस समय कार्बन खराब हो सकता है, यहाँ पे आर्मेचर कॉइल होता है इसके अंदर, कट कट आवाज आती तो, लेकिन कट कट आवाज नहीं आती, यानी सेल्फ से स्टार्ट नहीं होने का 4 कारण होता है, याद रखो। अगर कट कट आवाज आती, जैसे मैं अभी यहाँ पे अभी देख रहा हूँ, इग्निशन की ऑफ करके फिर से चालू किया, सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज कट कट नहीं आ रहा है, दूसरे प्रकार का गुआ गुआ आवाज अलग आ रहा है। कट कट आ रहा है तो आर्मेचर कॉइल का कार्बन होता है, 2 कार्बन अंदर वो खराब होता है, उसमें से एक कार्बन खराब होता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो अपना पिकअप कॉइल होता है पीछे तरफ है पिकअप कॉइल, वो फायर नहीं कर सकता है, तो फायर कभी नहीं करेगा। अगर मैग्नेट और पिकअप कॉइल अगर बराबर नहीं रहेगा या उनका डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, पिकअप कॉइल अगर ऊपर ज्यादा उठा होगा फिर भी फायर नहीं करेगा, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण नहीं है क्योंकि मुझे पता है क्या कारण है, क्योंकि मैं 2 हफ्ते बाहर गया था। आपको अलग अलग 4 प्रकार के कारण मैं बताना चाहता हूँ। पहला कारण बताया कटकट आवाज नहीं आ रहा है, यानी कटकट आवाज आता तो आर्मेचर कॉइल है उसमें का कार्बन, कोई भी 2 कार्बन होता है एक कार्बन उसमें से गैला रहता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी वो कारण है क्योंकि कटकट आवाज ना आ रहा है, आवाज अलग तरीके से आ रहा है। दूसरा कारण होता है जो पीछे की तरफ जो पिकअप कॉइल होता है इंजन में, वो पिकअप कॉइल का अगर गैप अगर ज्यादा होगा, मैग्नेट दूर होगा या नजदीक भी होगा, लेकिन पिकअप कॉइल अगर ऊपर होती है फिर भी फायर नहीं करेगा, यानी उसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूरी पर भी नहीं होना चाहिए पिकअप कॉइल, वो दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, इसका वायरिंग का कुछ कारण हो सकता है, वायरिंग में गड़बड़ हो सकता है या बैटरी अगर डाउन हुआ रहेगा फिर भी पिकअप कॉइल चालू सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन बैटरी डाउन होएगा तो जो चार्जर है उससे मेरा किक से मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, जो बैटरी के बाजू में चार्जर होता है उससे चालू कर सकता हूँ, स्टार्ट हो जाएगी किक से, लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। एंड जब आपकी बाइक अगर किक से स्टार्ट होती है लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है, उस समय पिकअप कॉइल का फॉल्ट हो सकता है या बैटरी, ये 2 ही कारण हो सकता है। लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, किक से भी नहीं हो रही या सेल्फ से भी नहीं करी, तो उसका 4 कारण है। उसका पहले कारण मैंने बताया, अगर कटकट आवाज आता है आर्मेचर कॉइल में तो उसका कार्बन, दोनों 2 कार्बन होता है उसमें से एक कार्बन गैला होएगा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा कारण होता है जो पीछे की तरफ पिकअप कॉइल होता है वो अगर ज्यादा ऊपर उठा होएगा मैग्नेट से तो उसको थोड़ा नजदीक लाना पड़ेगा, मैग्नेट से दूर होएगा फिर भी फायर नहीं करेगा, 2 कारण बताया। तीसरा कारण, अगर इसका अगर वायरिंग कुछ गड़बड़ होगा तो भी हो सकता है, या इसका रिले होता है बैटरी के बाजू में रिले होता है, वो रिले को चेक करना पड़ेगा। रिले में 4 प्रकार का वायर होता है, 2 मोटा वायर होता है बैटरी से आएगा जिसमें ज़्यादा पावर होता है, और 2 होता है पतला वायर, वो पतला वायर को शॉर्ट करने की वजह से ये चालू हो जाएगी, तो वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन 4था कारण क्या हो सकता है, अगर बैटरी अगर डाउन होता है तो भी ये चालू नहीं होगा, लेकिन बैटरी डाउन होने के बाद बैटरी के बाजू में जो चार्जर होता है, चार्जर में थोड़ा चार्ज होता है तो बैटरी को तब तक वो चला लेता है, किक से चालू हो जाएगी बाइक लेकिन सेल्फ से नहीं चलोगी, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, किक से देखते हम लोग, आपको दिखाना चाहता हूँ। किक से बाइक स्टार्ट हो गई, यानी इसका मतलब होता है बैटरी चार्जिंग पूरी तरीके से नहीं है, जो बैटरी के बाजू में चार्जर होता है उसके वजह से बाइक चालू हो गई, बैटरी से चालू नहीं होगी, तो बैटरी को मुझे चार्ज करना पड़ेगा तभी वो इससे चालू हो जाएगा। अगर मैं बंद करता हूँ फिर से स्टार्ट करता चालू नहीं होगी, आप देख सकते आवाज अलग से आ रहा है, इग्निशन की चालू करते हैं नहीं हो रहा है, बैटरी का फॉल्ट होता है, बैटरी चार्जिंग नहीं है, इसका मतलब होता है बैटरी चार्जिंग नहीं, कैसा पहचानने का, क्योंकि ठीक से स्टार्ट होती है बाइक लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, अभी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ठीक से फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, हिसाब से 101% बैटरी डाउन है,
गाड़ी बंद कर दिया, आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर बैटरी का। हम लोग मल्टीमीटर से रेंज देखते हैं। दोस्तों मेरे पास मल्टीमीटर है क्योंकि मैं वायरमैन भी, वो आपको पता है ऑलराउंडर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से बैटरी को चेक करते हैं। 101% गारंटी है कि बैटरी डाउन हुआ है, इसके वजह से किक से स्टार्ट हो रही है बाइक लेकिन सेल्फ से नहीं स्टार्ट हो रही है। आपको बताना चाहता हूँ मल्टीमीटर है क्या रहता है। ये डीसी करंट होता है, बैटरी होता है डीसी वाला, इधर एसी होता है। डीसी में 12 वोल्टेज की बैटरी होती है, इसके लिए हम लोग 20 के ऊपर रख देते हैं। ये 20 के ऊपर रख दिए क्योंकि 12 वोल्टेज की बैटरी है। चेक करके नंबर को चेक करना है। नंबर देखते हैं, आप देख सकते हैं बैटरी नीचे उतर गई है, बैटरी नीचे उतर गई है, इसके वजह से बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन ये बाजू आपको दिया, ये चार्जर है, ये चार्जर है, बैटरी को चार्ज करने का काम ये चार्जर करता है। ये चार्जर के वजह से किक से बाइक स्टार्ट हो गई, सेल्फ से नहीं हो गई। अगर बैटरी अगर अच्छी है, चार्जिंग है, फिर भी सेल्फ का दूसरा जो कारण होता है वो इसके अंदर रिले होता है, अंदर रिले। अभी उसका कुछ कारण नहीं है लेकिन वो भी एक रीज़न हो सकता है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता उस समय। लेकिन सेल्फ से या किक से भी स्टार्ट नहीं होगा अगर रिले में प्रॉब्लम होगा तो। रिले में मैंने बताया चार प्रकार का वायर होता है, दो मोटा वायर होता है, यही जो मोटा वायर है बैटरी का, और जो दो पतला वायर है उसको अगर हम लोग शॉर्ट करते और इसको किक को अगर हम लोग प्रेस करते, अपना सेल्फ को प्रेस करते तो बाइक अपनी चालू हो जाएगी। लेकिन वो कारण नहीं है कुछ, तो हमारा बैटरी का रीजन है। अभी फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको, बैटरी उतर गई है तो इसको थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के बाद सेल्फ ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे पास इन्वर्टर है, बैटरी देखो इन्वर्टर है, खाली कर तो इन्वर्टर और मेरा है बैटरी, प्लस प्लस लाइन और माइनस माइनस वाला दोनों भी कॉर्ड, प्लस प्लस और माइनस माइनस। मैं चालू कर देगा तो इसमें उसमें का जो करंट है वो इसमें आ जाएगा, वोल्टेज इसमें आएगा, करंट इसमें आएगा, ये चार्ज हो जाएगी। बैटरी बैटरी को किधर लेके जाने की जरूरत नहीं। याद रखो अगर आपके पास भी अगर बाइक की बैटरी छोटी होती है, अगर घर में अगर इन्वर्टर है तो ऐसा पैरेलल में लगा सकते हैं, उसका प्लस और इसका प्लस पॉइंट वायर से जोड़ दो, माइनस और माइनस पॉइंट वायर से जोड़ दो, इसमें करंट आ जाएगा, बैटरी फुल हो जाएगी, यानी अंदाजा बाइक चालू होने तक आ जाएगी। बाइक को चालू करते और या किक से चालू करके रख दो ऑटोमेटिकली, अभी किक से चालू करके रख दो ऑटोमेटिकली बैटरी चार्जिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर कम ज़्यादा अगर बैटरी नीचे गई तो ज़्यादा करके, वो मैंने जुगाड़ बता दिया इन्वर्टर बैटरी का, वैसे करना है कभी भी। अभी मैं ज़्यादा करके उसका इस्तेमाल करूँगा या इससे स्टार्ट कर रहा हूँ बाइक किक से, तब ये चार्जर है, इसको चार्ज करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे, बाद में देखते कितना चार्जिंग हो गया। 12 वोल्टेज की बैटरी है तो 12 के ऊपर अंदाजे जाना चाहिए, तभी वो सेल्फ से अच्छा का 11-12 वोल्टेज से ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। चलो हम लोग देखते हैं, इसको मैं चालू करके रखने वाला हूँ, बाद में वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं। मैं चालू कर रहा हूँ दोस्तों, किक से बाइक स्टार्ट करता हूँ ताकि ये चार्जर है बैटरी को चार्ज करे, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, 12 वोल्टेज के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 12 तो होना चाहिए। चालू रख के बाद में देखते थोड़ा वीडियो पोस्टपोन करता हूँ, थोड़ा चार्ज होने दो, बंद कर दो। दोस्तों चार्जिंग हुई रहेगी, देखते कितनी चार्जिंग हो गई, गाड़ी स्टार्ट है। डीसी वोल्टेज लगाया, 20 के ऊपर रख दिया है क्योंकि बैटरी 12 वोल्टेज की होती है, कितना वोल्टेज हुआ देखते। आप देख सकते हैं 12.54 12 वोल्टेज की बैटरी है, 12 से ऊपर चली गई, 13-14 वोल्टेज भी चली जाती है, वांदा नहीं है। अगर
11 के नीचे अगर बैटरी आती है तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, किक से स्टार्ट होगी, लेकिन किक से कभी स्टार्ट हो जाएगी, ये चार्जर है उससे चालू होती है, बैटरी से नहीं। 11 के नीचे अगर आता है वोल्टेज तो, अगर 12 के ऊपर होगा तो ये सेल्फ से स्टार्ट होगी, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर दोनों से भी स्टार्ट नहीं होती तो बैटरी का झंझट नहीं है, फिर आप लोगों को रिले देखना पड़ेगा, जो अंदर है वो उसको देखना पड़ेगा, वायरिंग को देखना पड़ेगा या पिस्टन कॉइल को देखना पड़ेगा, पिकअप कॉइल को देखना पड़ेगा, वो हिसाब से। तो अभी मैं चेक करता हूँ, गाड़ी को बंद करके सेल्फ से स्टार्ट होता है क्या देख रहा हूँ। स्विच ऑफ कर दिया, इग्निशन की चालू की, देखते सेल्फ से स्टार्ट होती है क्या। आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गई सेल्फ से। दोस्तों ये सब से याद करना है, सेल्फ से स्टार्ट होती है गाड़ी, लेकिन सॉरी किक से गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। उस समय मैंने आपको अलग अलग प्रकार का कारण बता दिया, मेरा कारण था मेरा बैटरी डाउन हो गया था, क्योंकि 2 हफ्ते तक गाड़ी बंद थी, लॉकडाउन में मैं बाहर फंस गया था, इसकी वजह से तो मेरी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने बैटरी को चार्ज किया, अभी सेल्फ से भी स्टार्ट हो रही है और किक से भी स्टार्ट हो रही है। अगर किक से स्टार्ट होती वो चार्जर से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी मैंने सेल्फ से भी स्टार्ट करके आपको बता दिया, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। बंद कर दिया, आप देख सकते हैं बंद हो जाएगी गाड़ी कभी बंद हो जाएगी, क्योंकि बैटरी अभी फुल चार्ज है। तो इस सब से काम करना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।